वेलकम टू दी केमिकल साइंस। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंसा कंपाउंड एंड साइक्लोफेन। इसका स्ट्रक्चर आप लोगों को दिख ही रहा होगा यहाँ पर। तो एंसा कंपाउंड का ये स्ट्रक्चर होता है इस तरह का, यह ऊपर से इस तरह का हैंडल टाइप और यह नीचे से एक रिंग होती है ऊपर से इस तरह से हैंडल टाइप, ये होता है एंसा कंपाउंड का स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर तो हो गया, अब इसमें RS नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं वो हमें देखना है। और इससे पहले की वीडियो में हम बात कर चुके हैं एलीन स्पाइरेन एंड बाइफेनाइल कंपाउंड पर, उसमें कायरलिटी जो होती थी वो कायरल एक्सिस के थ्रू होती थी। और एंसा कंपाउंड और साइक्लोफेन और इन सब में जो होती है कायरलिटी वो कायरल प्लेन की वजह से होती है। तो अब हम देखते हैं कि इसमें RS नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं। इसमें RS नॉमेनक्लेचर करने के लिए हमें इस कार्बन को देखना पड़ता है, जैसे कि इस O से जुड़े इधर ये कार्बन CH2 और इधर O से जुड़े ये CH2 कार्बन। इस कार्बन को हम कहते हैं पायलट कार्बन, ये हो गया पायलट, ये वाला भी हो गया आपका पायलट। अब हम नंबरिंग कहाँ से करते हैं, ये हमारा अगर पायलट कार्बन है तो इसको नंबरिंग हम यहीं से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इस पायलट कार्बन से लगे एटम को हम नंबरिंग करेंगे 1, तो इसको हम कर देंगे 1, फिर इसको कर देंगे 2 और इसको कर देंगे 3, इस तरह से हम नंबरिंग करेंगे। लेकिन इसमें नंबरिंग कहाँ से करनी है, हमें एंसा कंपाउंड में नंबरिंग 1, 2, 3, 4 तक नहीं करनी, हमें 1, 2, 3 तक करनी है। जैसे कि 1, 2, 3 पर हमें अगर कोई ग्रुप या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं मिलता है तो हम इस पायलट एटम से नंबरिंग करेंगे। तो इधर से अगर हम नंबरिंग करेंगे, इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3 पर ये हमें मिल जाता है तो हम इस पायलट एटम को ना करके इस पायलट एटम से हम नंबरिंग करते हैं। तो इधर वाली नंबरिंग ना हो करके हम इस पायलट एटम से इधर से नंबरिंग करेंगे। फिर से देखिए एक बार, ये हमारे पास पायलट कार्बन है, ये हो गया। इस पायलट एटम से लगे एटम को हम नंबरिंग करेंगे 1, फिर उसके बाद 1, उसके बाद जाएंगे 2 इस कार्बन पर, फिर उसके बाद इस कार्बन पर आएंगे क्योंकि हमारे पास सब्स्टिट्यूट इधर ही लगा है। तो नंबर 3, हमारे पास नंबर 3 पर ही कोई ना कोई ग्रुप लगा हुआ होना चाहिए, तो यहाँ पर ये लगा है तो ये हो जाएगा 1, 2, 3। अब ये किस डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, देखिए 1, 2, 3 इस तरह से जाएंगे तो हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। बस ऐसा कंपाउंड में इस तरह से RS नॉमेनक्लेचर हमें करना है। एक दो एग्जाम्पल आए हैं उससे उसको भी हम देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पर है, ये BR हमारा इस साइड था, तो यहाँ पर मैंने इस पोजीशन पर यहाँ पर एक CL लगा दिया मैंने, ये दूसरा एग्जाम्पल। तो अब हमें इधर से 1, इधर से 2, इधर से 3, हमें 1, 2, 3 नंबरिंग करनी है। ये 1, 2, 3 पर हमें CL मिल गया तो हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ना कि इस पायलट कार्बन से। इधर 1, 2, 3, 4 पोजीशन पे मिलेगा, जबकि हम 4 वाले पे ना देकर हमें नंबरिंग 3 तक ही करनी है। तो ये वाला पायलट एटम इसमें होगा हमारा, इस पायलट एटम से नंबरिंग करेंगे हमारा, इस पायलट एटम से नंबरिंग करेंगे हम, फिर उसके बाद ये हमारा हो जाएगा एंटी क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। यहाँ पर कुछ चीज़ें छूट रही हैं, यहाँ पे अगर BR लगा लें और यहाँ पे CL लगा लें। अभी तक तो यहाँ पर होता था, यहाँ पर होता था, अगर यहाँ पर होगा तब कहाँ से करेंगे। यहाँ पर भी वही सेम है, ये हमारे पास पायलट है, पायलट कार्बन, इसके लगे कार्बन को नंबरिंग करेंगे 1, इधर करेंगे 2। हम उधर जाते थे नीचे घूमकर, इधर आ जाते थे 3, इसमें हम ऊपर चले जाएंगे, इधर ये हो जाएगा 3। ये घूमा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इस वाले पोर्शन का हो जाएगा कॉन्फ़िगरेशन, ये हो जाएगा R। और अब ये वाला हमारा दूसरा पायलट कार्बन जो है, इधर से नंबरिंग करेंगे हम 1, इसका करेंगे 2, इधर करेंगे 3। 3 पोजीशन पर हमें सब्स्टिट्यूट मिल जाता है तो हम यहाँ से मूव करेंगे 1, 2, 3, यहाँ से हम गए एंटी क्लॉकवाइज मिला हमें, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। ये हो गया एंसा कंपाउंड। बस ऐसे ही होंगे कुछ एग्जांपल, और भी आप एग्जांपल प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम चलते हैं साइक्लोफेन में। अब देखते हैं साइक्लोफेन में RS नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं। साइक्लोफेन का स्ट्रक्चर तो आपको दिखे रहा होगा, हाँ, यहाँ पर ये दिखाने का मतलब ये है कि ये रिंग प्लेन पर नहीं है, ये रिंग इस तरह से प्लेनर नहीं है जिस तरह से प्लेनर यहाँ पर दिख रही है। अब आपको कहीं भी क्वेश्चन में भी इस तरह से देखने को मिले, इसका मतलब भी सेम है कि ये इसी तरह से है। आपको इस तरह से दिखाया जाए तो मतलब सेम है कि ये इसी तरह से है रिंग, ये रिंग इस तरह से प्लेन पर नहीं, वो इस तरह से है, और ये दूसरी वाली रिंग जो है वो इस तरह से है। ये दोनों रिंग जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हैं, ये रिंग इस तरह से है और ये रिंग इस तरह से है, और ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। उसी तरह से इस क्वेश्चन में भी है, बस वहाँ पर उस तरह से शो नहीं किया जाता है, लेकिन वो एक्चुअल में होता ऐसे ही है। तो अब इसमें देखते हैं कि RS नॉमेनक्लेचर करते कैसे हैं।
यहाँ पर हमने थोड़ी सी चीज़ें सीख ली हैं कि हमें 1, 2, 3 तक ही नंबरिंग करनी है, तो इसमें भी 1, 2, 3 तक नंबरिंग करनी है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 1, 2, 3 नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से करेंगे ना, इसको करेंगे 1, इसको करेंगे 2, इसको करेंगे 3, तो ये 3 नंबर पर मिल जाता है। तो इससे लगा वाला जो होगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा पायलट कार्बन, ये हो जाएगा हमारा पायलट कार्बन। ये हमारी नंबरिंग हो गई 1, 2, 3। ये हमारा मूव किया क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R, सिंपल है। और इसमें ये वाला हो जाएगा पायलट, इधर वाला जब नंबरिंग करेंगे तो इसे नंबरिंग करेंगे 1, इसका करेंगे 2, इसका करेंगे 3, ये घूमेगा हमारा 1, 2, 3 यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा S। कुछ इस तरह से हम नंबरिंग करते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कोई ग्रुप ऊपर की साइड जुड़ा हो, जैसे कि अभी तक नीचे की साइड रिंग में जुड़ा हुआ होता था तो हम ऐसे करते थे, लेकिन अगर इस वाली रिंग में ना जुड़कर अगर इस वाली रिंग में जुड़े तब क्या कैसे करेंगे? तो इस वाली रिंग में नंबरिंग भी हम ऐसे करेंगे, इधर करेंगे 1, इधर करेंगे 2, इधर 3 पर हो जाएगा, फिर उससे लगा ये वाला कार्बन जो 1 से, ये वाला हो जाएगा हमारा कार्बन पायलट। अब चाहे आप पहले ही कार्बन, ये पायलट कार्बन पहचान लें, या फिर चाहे आप तो नंबरिंग कर लें, 1, 2, 3 तक हमें नंबरिंग करनी है, फिर उसके बाद 1 से लगा हुआ कार्बन आप कर ले पायलट कार्बन। तो हमारा मूवमेंट होगा यहाँ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा R। और अगर मान लीजिए कि अगर हमारे पास यहाँ पर कोई ग्रुप लगा हुआ होता, चलिए मैं इसमें दिखा देता हूँ, अगर यहाँ पे लगा हुआ होता CO2H, तो इसमें कैसे नंबरिंग करते हैं? यहाँ से 1, 2, 3, 1, 2, 3 गया, ये होता हमारा इसमें पायलट कार्बन, ये वाला हो जाता पायलट, और नंबरिंग कर लेते हैं हम 1, 2, 3 इधर से जाता, ये एंटी क्लॉकवाइज, इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाता S, सिंपल है। इसी तरह से होंगे जितने भी एग्जांपल इस तरह के होंगे, उसमें भी आरएस नॉमेनक्लेचर ऐसे ही करना है। अब देखते हैं हम हेलिकल कायरलिटी एंड साइक्लोऑक्टीन। तो देखते हैं, तो अब देख लेते हैं हेलिकल कायरलिटी एंड साइक्लोऑक्टीन। सबसे पहले देखते हैं हेलिकल कायरलिटी, यहाँ पे लिखा हुआ है हेलिकल कायरलिटी, अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बता दूँ हेलिकल कायरलिटी, ये थोड़ा सा एग्जांपल उसमें मिल गया। हाँ, तो हेलिकल कायरलिटी में हम आरएस नॉमेनक्लेचर नहीं करते हैं, हम उसमें करते हैं पीएम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कैसे पीएम, यहाँ पर आप और करके पीएम कॉन्फ़िगरेशन भी लिख सकते हैं, मेरे पास जगह नहीं है तो मैंने लिखा, यहाँ पर लिख सकते हैं आप पीएम कॉन्फ़िगरेशन। जैसे पीएम कब करेंगे, हमारा क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमारा रोटेट होता था, तो उसके लिए हम आरएस नॉमेनक्लेचर में करते थे आर, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा तो उसको हम करेंगे पी, और जब एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट होगा, एंटी क्लॉकवाइज आप पूरा लिख लेंगे, उसके लिए लिखते थे हम एस आरएस कॉन्फ़िगरेशन में, लेकिन अब जब हम इसमें जब हम देखेंगे एंटी क्लॉकवाइज मूव हो रहा है तो उसमें हम लिखेंगे M, ये हो जाएगा हमारा PM कॉन्फ़िगरेशन। हाँ, अब इसमें PM कॉन्फ़िगरेशन में क्या नंबरिंग करते हैं, तो PM कॉन्फ़िगरेशन में नंबरिंग नहीं करते, यहाँ पर हम मूव करते हैं वेज से डैश की साइड, वेज जो हमारा वेज रिप्रेजेंटेशन है, जैसे कि ये, इसे मूव करते हैं हम डैश की साइड, तो उस मूवमेंट के जो मूवमेंट होता है उसको हम देखते हैं क्लॉकवाइज गया कि एंटी क्लॉकवाइज गया, उसके हिसाब से हम करते हैं PM कॉन्फ़िगरेशन। जैसे कि देखिए, ये हमारे पास है एग्जांपल देखते हैं, अब ये हमारे पास है वेज और इधर है डैश, अब हम डैश तक कैसे पहुंच सकते हैं, तो हमारी इस रिंग के बाद ये रिंग उसके बाद अटैच्ड है, तो हमें यहाँ से वहाँ तक पहुँचने के लिए इधर से ही मूव करना होगा। जैसे कि इस वेज से अगर हम यहाँ से निकलेंगे तो इस डैश की साइड जाने के लिए, तो हम यहाँ से मूव करते हुए यहाँ से जाएंगे, तो ये हमारा रोटेशन हो गया एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं, M, तो ये हो गया M कॉन्फ़िगरेशन। अगर आपके मन में डाउट आ रहा है कि हम यहाँ से क्यों नहीं गए, तो यहाँ से हम ऊपर से नहीं जा सकते, इधर हम जहाँ से रिंग अटैच्ड है हम उस साइड से मूव करते हुए जाएंगे। यहाँ से देखिए, इस रिंग के बाद ये रिंग इस तरह से अटैच्ड है, तो हम यहाँ से मूव करते हुए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा। अब इसमें इस क्वेश्चन में क्या देखेंगे, हमारे पास वेज इधर है और डैश इस साइड है, तो अब हम वेज से हम इस डैश की साइड आना है, रिंग टू रिंग जहाँ से रिंग जुड़ी है उसी साइड से हमें वापस इधर आना है, तो हम आएंगे, ये होगा हमारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा पी। आप यहाँ से ऊपर से नहीं जा सकते, क्योंकि
अगर आपको कहीं जाना है तो सीधे रास्ता से जाएंगे ना, तो इसे हवाई में उड़ के थोड़े चले जाएंगे। तो वही है, यहाँ से इस तरह से आ रहा है, जहाँ से रिंग अटैच्ड है उस साइड से आएगा ये क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा हमारा पी कॉन्फ़िगरेशन। हेलिकल का रियलिटी में यही है, अगर हमारे पास कोई वेज दिखेगा, डैश दिखेगा, हम वहाँ से मूव करेंगे, जैस एंटी क्लॉक वाइज होगा तो पी, एंटी क्लॉक वाइज होगा तो एम, ये हो जाएगा हमारा हेलिकल का रियलिटी। अब साइक्लो ऑक्टेन को देख लेते हैं, अगर आपसे कोई कहे साइक्लो ऑक्टेन ड्रा करने के लिए तो आप सिंपल से यही ड्रा कर देंगे, हो जाएगा आपका साइक्लो ऑक्टेन। लेकिन एक्चुअल में इसका स्ट्रक्चर ये होता नहीं है, क्या होता है वो देखते हैं। इसका एक्चुअल में स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, मैंने ड्रा नहीं किया है क्योंकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, कैसे ड्रा कर रहा हूँ आप देखिए, ये एच इस साइड पर आएगा तो दूसरा एच इस साइड पर। अब एक बाण हम दूसरा बाण इस साइड लगाएंगे और एक बाण इससे इस तरह से अटैच करेंगे, और फिर दूसरा बाण हमारा इस साइड से थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहाँ तक, फिर उसके बाद इसको सीधा यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे, फिर जो हमने इधर किया वही इधर भी कर देंगे, एक इस तरह से एक इस तरह से, फिर इसको अटैच कर देंगे इससे, ये हो जाएगा हमारा साइक्लो ऑक्टेन। एक्चुअल में इस तरह का होता है। अब अगर हम इसका मिरर इमेज बनाएं, यहाँ पर अगर हम मिरर रख लें तो ये सामने किस तरह का दिखेगा, तो हमें उसको यहाँ पे ड्रा करना है। तो ये एच ये वाला देखिए, जो ए एच इस साइड है तो ए एच इस साइड रिफ्लेक्ट होगा, और ये वाला जो एच था वो उस साइड जाएगा, ये यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। और ये देखिए ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला बाण यहाँ पर नीचे एक साइड बनेगा, ये इस तरह से, फिर ये सीधा, फिर ये इस तरह से, फिर ये ऊपर की साइड आएगा, फिर इसका कार्यक्रम शुरू होगा, फिर ये इस साइड इस साइड इस साइड, तो ये जाएगा इस साइड से, हम ड्रॉ करते हैं। ये वेज नहीं है, आप समझेंगे उतना। हाँ, तो ये हो जाता है हमारा ट्रांस, ये हमारा होता है साइक्लो ऑक्टेन, ट्रांस साइक्लो ऑक्टेन, ये दूसरों एक दूसरे का आपस में ट्रांस है, तो ये हो जाता है हमारा ट्रांस साइक्लो ऑक्टेन। तो इसमें हम आर एस नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं, जैसे कि ये एच है तो इसका हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे करेंगे, यहाँ से हम करेंगे वन, ये करेंगे टू, और इस तक एच तक हमें नंबरिंग करनी है, ये हो जाएगा वन टू थ्री, और इस कार्बन को हम कह देंगे जो वन से अटैच है इसको हम कहेंगे पायलट, ये होगा हमारा पायलट कार्बन। अब हमारा मूवमेंट कैसा होगा, वन टू थ्री इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा एस। आप इसी तरह से इस वाले एच का भी कर सकते हैं, अगर इसको नंबरिंग करेंगे वन, इसको करेंगे टू, इसको करेंगे थ्री, ये वाला हो जाएगा पायलट कार्बन, और हमारी नंबरिंग होगी वन टू थ्री इस तरह से एंटी क्लॉक वाइज, दोनों में एंटी क्लॉक वाइज हो रहा है, तो ये होगा हमारा एस कॉन्फ़िगरेशन। अब इसमें देखते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा कार्बन पायलट, यहाँ से नंबरिंग होगी वन टू, हाइड्रोजन तक हम आएंगे थ्री, और ये हमारा मूवमेंट होगा यहाँ से, ये वन से ये गया टू ये गया थ्री, ये हो जाएगा हमारा आर कॉन्फ़िगरेशन। उसी तरह से हम इस वाले एच की भी कर सकते हैं, ये होगा हमारा पायलट, उसके बाद ये वन, ये वाला टू, और ये थ्री, ये हमारा मूवमेंट हो जाएगा वन टू थ्री इस तरह से, इसका भी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आर। तो हमने साइक्लो ऑक्टेन, हेलिकल कायरलिटी और ये सब देख लिया है। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम कुछ, क्या देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, हाँ नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम क्राइम रूल एंड उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एंटी क्राइम रूल। वैसे तो चलिए उस वीडियो में बात करते हैं, आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त, खुदा हाफिज़।